मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो अब इंतजार को खत्म करता हूं और आपको बताता हूं आज का असरदार उपाय। अब बात करता हूं आज के असरदार उपाय की। ये उपाय उन सभी 12 राशि वाले जातक लोगों के लिए है, यानी हर किसी व्यक्ति के लिए है, जिसे अपना करके आज आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। और आज आप अगर इस उपाय को करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं, ये एक ऐसा उपाय है, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी विशेष कार्य के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसमें किसी भी जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा तो वो उसका बहुत अच्छा लाभ ले सकता है। सबसे पहला उपाय ये है कि 5 हल्दी की गांठें आप ले लीजिए, किसी भी जलाशय में, किसी भी नदी तालाब के आसपास चले जाएं और वहां पे प्रवाहित कर दें आपका जो भी कार्य है उस कार्य की सफलता को मान करके। और उसके बाद जब आप वहां से चलें, वापस आने लगे, आप अपने घर जा रहे हो या अपने काम की तरफ जा रहे हो, तो 5 केले खरीद लीजिए, मार्केट से ले लीजिए और किसी गरीब या भूखे व्यक्ति को दान दे दीजिए। ये प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है कि कोई भी व्यक्ति जाति बंधन का ध्यान किए बगैर इस प्रयोग को अगर करता है, अपने कार्य की सफलता को ध्यान में रख करके इस प्रयोग को करता है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अब मैं आपको दूसरा एक प्रयोग बताता हूँ। जब आप अपने काम पर जा रहे हो, कार्य की सफलता के लिए जा रहे हो, या जो लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि जब आप ये करके आ रहे हो, आपने हल्दी प्रवाहित कर दी, केले का दान कर दिया, जब आप अपने काम पर जाएं या अपने घर वापस जाएं, तो आप मन ही मन ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। ये प्रयोग है तो दो अलग अलग प्रयोग, लेकिन आप इसको एक तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों को एक बना करके भी कर सकते हैं, आप उसका कहीं अधिक लाभ लेंगे। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं जब आप अपने घर से निकलें और आप अपने काम पर जा रहे हो, तो मन ही मन ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए जाइए। समझ लीजिए कि आपका कार्य सफल हो जाएगा, कार्य के मार्ग में कोई भी सफलता में बाधा नहीं आएगी। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए निकलें और जिस दिन आपने इस प्रयोग को करने का मन बनाया हो, तो आप अपने घर में जो पूजा करते हो उस पूजा में विष्णु जी की पूजा अवश्य करिए और पीले चंदन का या हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर धारण करके इस प्रयोग को करिए और फिर इसके चमत्कार देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये तो बात हुई रामबाण उपाय की। अब आपको बताता हूँ वो वास्तु उपाय जो आपकी आर्थिक स्थिति को और भी कर देगा मजबूत और आप होंगे समृद्ध। यदि आपके घर का बजट गड़बड़ा गया है, आपके ऊपर आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा है और धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, धन का खर्च बहुत है, परिवार में अशांति रहती है और धन जो आप कमाते हैं या जो आप प्रयास करते हैं कमाने का वो प्रयास सफल नहीं हो रहे, आपको हर जगह नाकामी मिलती है, आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कक्ष में आपको करना ये चाहिए कि लाल रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप जहाँ पे धन रखते हो, धन जिस चीज में रखते हो, अगर आप धन को लाल कपड़े में लपेट करके रखते हैं या जिसमें आप धन रखते हैं, जैसे सबसे पहले आपका पर्स हो गया, तो आप वहाँ पे लाल और पीले रंग का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ ही दिन के अंदर आपको फर्क महसूस होने लगेगा। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका जो भी कैश रखने का स्थान है, विशेषकर आपका जो लॉकर है, अगर आप वहाँ पे उस लॉकर की डोर पे लाल रिबन बांध देते हैं, अपने मेन एंट्रेंस पे लाल रिबन बांध देते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी के आने का मार्ग आप प्रशस्त कर रहे हैं, उनका रास्ता, आप अपने घर में आने के लिए जो भी बाधा आ रही है उसको आप दूर कर रहे हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, जिससे आपके ऊपर आई जो भी गंभीर आर्थिक समस्या है वो दूर होगी। आप किसी भी आर्थिक समस्या में फंसे हुए हो, कितना भी ज्यादा आर्थिक दबाव हो, आप उससे तत्काल छूट जाएंगे। हर हर महादेव। मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु व अन्य लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए, परेशान बिल्कुल भी ना हो। यदि जीवन में समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसके सरल सटीक चमत्कारी समाधान भी है। तो बात हुई आज के रामबाण उपाय की। अब आपको बताता हूँ वो वास्तु उपाय जिसे अपना करके आप दूर कर सकते हैं अपने घर का वास्तु दोष और हो सकते हैं धनवान। यदि आपके जीवन में आ रही है आर्थिक समस्या तो समझिए कि ये उपाय आपके लिए ही है।
जिस घर में रात में बर्तन साफ नहीं किए जाते, ऐसा हमारे शास्त्र का कहना है कि बर्तन जो है वो अन्नपूर्णा का स्वरूप है और वो श्राप देता है। अगर आपने रात में उसको साफ नहीं किया, या आप जिस कमरे में धन रखते हैं आपने जूठे बर्तन वहां रखना अपना नियम बना लिया कि आप अपने ही कमरे में खाना खाते हैं, वहीं बेड के नीचे अपना बर्तन रख दिया और सो गए, ऐसी परिस्थिति में भी आपको बर्तन यानी लक्ष्मी श्राप देती है, अन्नपूर्णा श्राप देती है और आपके परिवार में आर्थिक समस्या के साथ साथ क्लेश निरंतर बना रहता है। अगर आपके घर में नल से निरंतर पानी टपकता रहता है, कहीं से भी आपके यहाँ लीकेज है, पानी निरंतर बह रहा है, तो वो दरिद्रता का सूचक होता है। जितनी भी लक्ष्मी आ रही होती है वो वापस चली जाती है, इसीलिए जल को भी राशि कहा जाता है यानी धन कहा जाता है और जल का संचय करना बताया गया है, न कि उसका अनायास बहाना। ज्यादा से ज्यादा धन अगर आपको रोकना है तो आपको जल का भी संचय करना होगा, नल टपकते हुए नहीं होने चाहिए, पानी अनायास न बहता हो। पैसा अगर घर में टिके तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, अब ये भी मैं आपको बता दूं, जिस कमरे में आप धन रखते हैं वहां पे जगह जो है, जमीन जो है, फ्लोर सिर्फ खाली नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको साफ सुथरा रखते हैं, वहां पे एक मोटी कालीन अगर आप बिछा करके रखते हैं या दरी बिछा करके रखते हैं जमीन पे, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रयोग माना जाता है धन को रोकने के लिए यानी लक्ष्मी को स्थिर बनाने के लिए। घर की अलमारी जो भी धन रखने की अलमारी है वो दक्षिण और पश्चिम मुख कभी भी नहीं खुलनी चाहिए। अगर दक्षिण और पश्चिम जब आप उसको खोलते हैं और वो दक्षिण या पश्चिम की तरफ खुल रही है तो समझ लीजिए कि राहु, केतु, शनि और जितने भी बुरे ग्रह हैं उनके दुष्प्रभाव ज्यादा रहेंगे। आपका धन जो है वो चोट चपेट, एक्सीडेंट, दवा, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, मतलब जितनी भी अशुभ चीजें हैं उनमें खर्च होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप अलमारी रखें तो ऐसा रखें कि उत्तर और पूर्व की तरफ आप जब भी उसको खोलें तो आपका जो कैश काउंटर है या जो भी गल्ला आपने रखा हुआ है वो पूर्व या उत्तर की तरफ खुले। और घर में टूटी फूटी चीजें अगर आपने रखी हुई हैं, विशेषकर उस स्थान पर रखी हुई हैं जहां पे आप अपना धन रखते हैं, अपने कमरे में रखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उसकी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको बहुत नकारात्मकता आपके घर में हो जाएगी। घर में टूटे बर्तन, टूटी चारपाई और खराब और बंद इलेक्ट्रॉनिक की चीजें नहीं प्रयोग करनी चाहिए। ऐसी चीजों को तत्काल ही घर से बाहर हटा देना चाहिए। घर में टूटा शीशा अगर रखा होता है तो उससे भी आर्थिक समस्या और विपन्नता की स्थिति यानी दरिद्रता, गरीबी की स्थिति आपके सामने आती है। तो ये कुछ उपाय आपको मैंने बताए हैं जिसको करके आप पहले तो सबसे पहले चेक करिए कि क्या इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया, एक भी ऐसी परिस्थिति है जो आपके घर में है। अगर है तो उसको दूर करने का प्रयास करिए। इसको अगर आप दूर कर लेते हैं तो जो भी आर्थिक समस्या है आपकी वो तत्काल दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। भाग्योदय में आज सिर्फ इतना ही। मैं वैभव नाथ शर्मा कल फिर आऊंगा लेकर के भाग्यफल और रामबाण उपाय जो सवारेंगे आपकी किस्मत और बनाएंगे आपको भाग्यवान। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। तो अब इंतजार दूर करता हूं और बताता हूं आपको वो वास्तु उपाय जो आपको कर देगा आर्थिक तौर पे मालामाल। क्या आपको मालूम है कि घर की खिड़कियां वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं? यदि घर की खिड़की एक सीध में तीन हो तो धन नाश का बहुत बड़ा कारण बन सकती है, आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान दे सकती है। घर की खिड़कियां अगर बाहर की तरफ खुलती हो तो वो घर से लक्ष्मी के जाने का कारण है। घर में लक्ष्मी आ नहीं सकती, अगर आती हुई लक्ष्मी भी होगी तो वो बाहर चली जाएगी अगर आपकी घर की खिड़की बाहर की तरफ खुल रही है। इस तरीके के वास्तु दोष से बचने का उपाय ये है कि खिड़कियों पर या उनके आसपास सुगंधित अगरबत्तियां लगा दी जाएं, उसको साफ सुथरा और सजा करके सुसज्जित रखा जाए। उत्तर और पूर्व की तरफ की खिड़कियां जो हैं अधिक से अधिक समय के लिए खोल के रखी जाएं। दक्षिण और पश्चिम की जो खिड़कियां हैं उसको ज्यादा समय तक बंद करके रखा जाए। अगर आप ऐसा करते हैं, वहाँ पे सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, वहाँ पे आप कुछ फ्लावर पॉट्स रखते हैं, आप उसको डेकोरेट करके रखते हैं, तो जो उसकी पॉजिटिविटी है वो बढ़ती है और जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है, जिससे आपके घर में लक्ष्मी आने का साधन बनता है। और खिड़कियों के द्वारा जो शुभ ऊर्जा है जिसको आप अपने अंदर आत्मसात करते हैं, ग्रास्प करते हैं, ग्रहण करके फिर आप अच्छे कामों को अंजाम देते हैं, आपको वो प्राप्त होगा। भाग्योदय में आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं वैभवनाथ शर्मा फिर आऊंगा आपके पास लेकर के भाग्यफल और रामबाण उपाय जो सवारेंगे आपकी किस्मत और बनाएंगे आपको भाग्यवान। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।